हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली बालों में, फुल ग्रोथ वाले बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है, कैसे लगाओगे तो पूरा मेहंदी जड़ों तक पहुँच जाएगा और अच्छे से काम कर पाएगा, अपना वर्क कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ निशा हेयर मेहंदी की। निशा जो रेड कलर वाला मेहंदी होता है वो मैंने अप्लाई किया हुआ है। इनके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और इनके बालों में किस तरीके से अप्लाई करोगे तो अच्छा सा कलर आएगा और कितने पैकेट आपको मेहंदी लेनी पड़ेगी और क्या क्या मिलाओगे तो बाल सॉफ्ट स्मूथ शाइनिंग होंगे, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया हुआ है। कैसे किस पानी में आपको मेहंदी को घोलना चाहिए सब कुछ बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और जो भी मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्टेड हो, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी मेरे ब्लॉगिंग वीडियो का नाम है, तो वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर मैं हमेशा अपनी ब्लॉगिंग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, तो वहाँ पर जाके आप मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देख सकते हो। और आज निशा रेड कलर वाला मेहंदी बालों में कैसे अप्लाई करें, फुल ग्रोथ वाले बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका, बालों को सॉफ्ट शाइनिंग स्मूथ और मैनेजेबल बनाने के लिए मेहंदी में क्या क्या मिक्स करना चाहिए सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको टच करो, उसको टच करते वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रे कलर में होते ही एक बेल आइकन आ जाएगा, तो बेल आइकन को टच कर दीजिएगा तो उसे टच कर दीजिएगा तो वो बेल आइकन पे, जैसे बेल आइकन टच करोगे तो थ्री बेल आइकन आते हैं, सबसे ऊपर वाला टच करना है। तो जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कर लेना आप, सॉरी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ। तो ये गाइस पानी और चाय पत्ती है, जो चाय पत्ती आप चाय बनाने में यूज करते हो वही वाली चाय पत्ती है। इतना सा पानी लेके एक चम्मच चाय पत्ती डाल के इसको अच्छे से उबालना है। जब इतना उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दो, ये तो ये कड़ी पत्ता लेके आ गई, ये कड़ी पत्ते को डाल दो और इसको भी और अच्छे से उबाल लो जब तक पूरा इनका जो गुण है वो पानी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तब तक उबालना है, जब डार्क रेड कलर का पानी हो जाए तो गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये निशा मेहंदी, ओके ये वाली मेहंदी लेनी है और इसी मैं दो पैकेट ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा घने और बड़े वालों के लिए तीन चार पैकेट भी लग जाता है, बट दो ही पैकेट मैंने बोला था यहाँ पे। तो ये दो पैकेट मेहंदी को एक कटोरी में ले लीजिए, अगर आपके पास कांच की कटोरी हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, मैंने यहाँ पर स्टील की कटोरी में ही ले लिया है। अच्छे से मेहंदी को ले लेना है और ये पानी अच्छे से हो चुका है हमारा, तो गैस को बंद कर देते हैं। अब गैस को बंद करने के लिए पानी को हल्का सा, मतलब ये बुलबुला सा निकल जाए इसका, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा गैस ऑफ करके। और दूसरी वाली पैकेट भी यहाँ पे फाड़ लिया हमने और उसको भी कटोरी में ऐड कर ले रहे हैं। इसके बाद से आपको लेना है दही, कर्ड दही, एक या दो चम्मच आप दही ले लीजिए। दही आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और दो मुँह है बालों की प्रॉब्लम भी दही से लगभग ख़त्म होने लग जाती है। तो बाल अगर रूखे बेजान हैं तो आप दही यूज कर सकते हो, तो मेहंदी में दही ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो, सरसों का तेल या फिर नारियल तेल, नारियल तेल बालों को स्मूथ और शाइनिंग बनाने के लिए बेस्ट होता है, तो आप नारियल तेल ही यूज कर लीजिएगा। तो इन्होंने पहले से ही बालों में ऑयल लगाया हुआ था तो मैंने यहाँ पर तेल ऐड नहीं किया है। अगर विटामिन ए की कैप्सूल हो तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये दही हो गया, अभी पानी हमारा हो चुका है, कड़ी पत्ता और चाय पत्ती जो मिक्स करके हमने उबाला था वो पानी रेडी है। तो छलनी की मदद से पानी को छान के दही में अच्छे से ऐड करेंगे, सॉरी मेहंदी में अच्छे से ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो इसमें आप प्याज का जूस भी ऐड कर सकते हो, प्याज का जूस बालों की डैंड्रफ को जड़ से रिमूव करता है, एक से दो यूज में ही आपके मतलब बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। ऑनली प्याज भी यूज कर सकते हो, आपके बाल में बहुत डैंड्रफ है तो आप कुछ भी मिक्स किए बिना सिर्फ प्याज का जूस निकालिए, उसको बालों में एक या दो बार अप्लाई करो, एक बार में ही आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहली बार में ही 80% तक डैंड्रफ आपके ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप उससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो झड़ चुके बाल होते हैं वो भी उगने लग जाते हैं। तो प्याज से आप डैंड्रफ के लिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम डैंड्रफ के लिए कुछ बताओ, तो प्याज से बेस्ट ऑप्शन मुझे कुछ नहीं लगता है क्योंकि मेरे घर में हमेशा इसको
प्याज को यूज करते हैं डैंड्रफ, जिसको भी होता है एक बार लगाते ही सारा डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने मेहंदी भी लगभग अपनी घोल ली है, तो इसको अच्छे से कम 2 घंटे के 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करना है बालों में। 2-3 घंटे के बाद अप्लाई करना है। तो ये अच्छे से घोलने के बाद है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब ये 2-3 घंटे के बाद से टाइट हो जाएगा तो पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये मेहंदी इस तरीके से रेडी हो चुकी है, 2-3 घंटे बीत चुके हैं, तो अभी बालों में अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, तो बीच से बालों को, अगर बहुत ज़्यादा घने बाल हैं तो ऊपर ऊपर से लगाओगे तो बाल पूरे अच्छे से बालों की जड़ों तक मेहंदी पहुँच नहीं पाएगा। तो आपको इस तरीके से बीच से पहले बालों को उठाना है और मेहंदी को अप्लाई करना है। आप ब्रश और हाथों में ग्लव्स भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इग्नोर इट। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से बालों में लगाना है मेहंदी को, ओके। और इसको कम से कम 2-3-4 घंटे रखने हैं, क्योंकि अच्छे से मेहंदी सूख जाए तभी बालों पर अच्छे से इफ़ेक्ट करेगा। तो अच्छे से लगा दिया यहाँ पर मेहंदी, पूरा लेंथ में भी लगा लेना है जड़ों के साथ साथ, क्योंकि कलर हमको लेंथ में भी चाहिए, इसीलिए आप से नॉर्मली बालों को सॉफ्ट शाइनिंग भी रखने के लिए मेहंदी यूज कर सकते हो। महीने में 3 हफ्ते में 1 बार और महीने में 3-4 बार आप यूज कर सकते हो मेहंदी चाहो तो, ओके। तो ये पूरा लेंथ में अच्छे से लगाने के बाद से बालों का, ये जो हमने बालों में लगाई है, जितने बालों में मेहंदी लगाई है उसका बन बना देंगे, ओके। तो अच्छे से लग गई है, आप चाहो तो इस पर कॉम भी कर सकते हो साथ साथ में, ताकि मेहंदी अच्छे से बालों में घुल मिक्स हो जाए। और हम मैंने यहाँ पे ऐसे ही इसको बन बना दिया है। तो ये लगाने के बाद से बालों का बन बना देंगे। तो ये बन बना लिया। ये रेड रेड हाथों में जो लग जाता है वो कम से कम आपके 1 दिन तक आपके हाथों में वैसे ही रहता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ग्लव्स, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं तो हाथों में अगर ग्लव्स नहीं है तो आप पोलथीन भी हाथों में बांध कर बालों पे अप्लाई कर सकते हो कलर को, तो आपके हाथों पे कलर का इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहाँ पे जो लगा दी हैं उनको घर पे ही रहना है, तो इन्होंने हाथों से ही अप्लाई कर लिया। फिर साइड से थोड़े से बाल लेंगे और पूरा जड़ों से लेंथ तक अप्लाई करेंगे मेहंदी को, और बन के चारों तरफ इस लेयर को लपेट देंगे, ओके। ओके, इस तरीके से लगा लिया है, अभी बालों के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे। फिर दूसरी साइड से उठाएंगे, फिर फ्रंट से उठाएंगे, फिर बैक से उठाएंगे, ऐसे ही लेयर ले लेके पूरे बालों में मेहंदी लगाते लगाते पूरा एक बड़ा सा बन बना लेंगे। अब देखिए, उस साइड से हेयर को ले रहे हैं और उसमें भी मेहंदी अप्लाई करेंगे और इस बन के चारों तरफ लपेट देंगे। ऐसे ही पूरे बालों में आपको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि कितने भी घने बाल होंगे आपके बालों में अच्छे से मेहंदी लग जाएगी और बाल एक भी बाल बचेगा नहीं, ओके। तो आप इस तरीके से मेहंदी लगाने का ये परफेक्ट तरीका है। फुल ग्रोथ वाले बालों में मेहंदी कैसे लगाएं, तो इस तरीके से लगाइए। हल्के बाल हैं तो आप ऊपर से भी लगा के सिर्फ कॉम कर दोगे तो पूरे बालों में मेहंदी अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जिसके बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं उनको अक्सर मेहंदी अप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो वो इस तरीके से फुल ग्रोथ वाले हेयर में मेहंदी कैसे लगाएं और बालों को सॉफ्ट शाइनिंग स्मूथ बनाने के लिए मेहंदी में क्या क्या मिलाना चाहिए आपको इस वीडियो में सब कुछ दिख जाएगा। तो अभी फिर यहाँ से हेयर को लेंगी और लेयर लेंगी और अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आधे बालों में मेहंदी लग चुकी है और इसको 4 घंटे के बाद धोने के बाद इस तरीके का कलर आया है, आपने पहले देखा और ये बाद का है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा कलर नहीं आता है मेहंदी अप्लाई करने से, अभी ये फर्स्ट टाइम ही वॉश किया है। जैसे 1-2 बार और वॉश करेंगी तो और ज़्यादा कलर, जैसे ऑयल लगाने के बाद फिर से वॉश करेंगी तो और अच्छा कलर दिखेगा। तो ये फर्स्ट टाइम में इतना कलर है। और इनके बालों की हेयर कटिंग भी मैं दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो, मतलब जो आने वाली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इनके बालों की हेयर कटिंग करूँगी तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। तो फाइनल लुक आपको मिल गया, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइस।
तो ये था इनके बालों का कलर वगैरह, जैसे कि आपने देख लिया ज़्यादा कलर तो नहीं आता है ये वाला अपने ये मेहंदी लगाने से, ऐसा नहीं है कि पूरा रेड कलर में आ जाएगा, साइन आ जाती है जैसे जैसे बालों का जो कलर आप चूज कर रहे हो उस कलर का बालों में लाइट सा साइन आने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रेड कलर हो जाएगा। तो आपने साइनिंग देखा ही कितना आया था, बस उतना ही आएगा। आप जब भी अगर मेहंदी के नाम पे कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो आप, जैसे मेहंदी आपने मेहंदी के नाम पे ख़रीदा है, आपको निशा मेहंदी है, तो मेहंदी मेहंदी जैसा ही काम करेगी, कलर जैसा काम तो करेगी नहीं, तो इतना ही कलर आता है मेहंदी यूज करने से। ब्लैक ब्लैक यूज़ करो, रेड यूज़ करो, इतना ही आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपके बाल वाइट हैं और आप ब्लैक मेहंदी यूज करते हो तो भी इतना ज़्यादा कलर नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको मतलब स्टार्टिंग से ही फर्स्ट यूज में ही परफेक्ट कलर चाहिए तो आपको कलर यूज़ करना चाहिए, मेहंदी नहीं। अगर आपको बस साइनिंग चाहिए, थोड़ा सा रेडनेस चाहिए जैसे बाल चमके और धूप में जाने से आपके बालों में कलर दिखे, तो आप मेहंदी यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और अच्छे से समझ में आया क्या होगा कि कैसे अप्लाई करना चाहिए फुल ग्रोथ वाले बालों में, कहाँ से बाल उठाओगे और कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यार प्यारे दोस्तों को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइज, टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, बाय बाय।